आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने आईफोन में जीमेल आईडी को ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको अपने मोबाइल के यहाँ पे होम स्क्रीन पे आ जाना है और आपको यहाँ पे एक मेल एप्लीकेशन दिखेगा, तो आपको यहाँ से मेल एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, आपके मोबाइल का जो है नेट ऑन होना चाहिए और जो मैं आपको जिस मोबाइल से बता रहा हूँ ये आईफोन 14 है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे जो है नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो इस तरह से आने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ईमेल और फ़ोन नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे जिस भी ईमेल आईडी को ऐड करना चाहते हैं उस ईमेल आईडी को यहाँ पे डाल देंगे। या फिर फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे नया जीमेल क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे में क्रिएट का ऑप्शन है, आप क्रिएट भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है और उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे जो पासवर्ड मेरा इनकरेक्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे फॉरगेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। फॉरगेट वाले ऑप्शन पे मुझे पासवर्ड नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे जिस भी ईमेल आईडी में ये ईमेल आईडी ओपन है मैं उसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, तो मैं यहाँ पे जो है जिस ईमेल आईडी से अटैच है ये उस जीमेल आईडी में कुछ मैसेज आया है और उस ईमेल आईडी को मैं ओपन करके यहाँ पे उस अंग को सेट कर दूंगा। तो चलिए मैं आपको करके ये चीज़ दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे यस इट्स मी का ऑप्शन है, यही जीमेल आईडी शेयर्ड है। तो यहाँ पे यस इट्स मी का ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे 62 था, 62 को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ये जीमेल आईडी यहाँ पे ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, यहाँ पे अपडेट पासवर्ड का ऑप्शन है। अगर आप पासवर्ड भूल गए और दोबारा से अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपडेट वाले पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन है और यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड का ऑप्शन है। दोनों पे जो ऊपर पासवर्ड डालेंगे वही पासवर्ड आपको नीचे डालना है। और यहाँ पे अगर आप पासवर्ड सेव करना चाहते हैं तो सेव करेंगे, नहीं तो स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड को क्रिएट कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैं यहाँ से डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर आप पासवर्ड सेट करना चाहते हैं तो सेव कीजिए, मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद फ्रेंड्स, मेरा जो यहाँ पासवर्ड सक्सेसफुली जो है आईफोन में यहाँ पे देखिए न्यू साइन इन ऑन एप्पल आईफोन तो यहाँ पे सेट हो चुका है। उसके बाद इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और इस तरह से जो है फ्रेंड्स, हमारा जो ईमेल आईडी है यहाँ पे ऐड हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ पे फ्रेंड्स, आपका जो भी मेल है इस फोन में लेना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट, कैलेंडर, नोट्स, जो भी लेना चाहते हैं उसको आपको यहाँ से अलाउ कर देना और जो नहीं लेना चाहते हैं उसको यहाँ से ऑफ कर देना। तो चलिए मैं सब कोई जो भी मेरे ईमेल में सब कुछ लेना चाहते हैं यहाँ पे इस मोबाइल में, तो मैं यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। इस तरह से फ्रेंड्स, यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन आ रहा है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो है प्रोटेक्ट मेल एक्टिविटी का ऑप्शन है, यहाँ डोंट प्रोटेक्ट मेल एक्टिविटी का ऑप्शन है, तो चलिए मैं इसको यहाँ से भी छोड़ देता हूँ। कंटिन्यू वाले यहाँ पे जो है सेंड लेटर का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे लेटर कर देता हूँ, या ये सब हो नहीं रहा है तो मैं कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देखता हूँ। और डोंट प्रोटेक्ट मेल एक्टिविटी है, तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ मेल, वुड यू लाइक टू सेंड यू नोटिफिकेशन, तो आप अगर नोटिफिकेशन चाहते हैं यहाँ पे मेल का तो आपको यहाँ पे अलाउ करना है, नहीं तो डोंट अलाउ करना है। तो चलिए मुझे तो जो भी मेल में मैसेज आएगा उसका नोटिफिकेशन चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, जितना भी नोटिफिकेशन है मेरे जीमेल आईडी का यहाँ पे आ चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है आप अपने जीमेल को अपने आईफोन में इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है जीमेल का सारा मैसेज आ चुका है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।